अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको पाकिस्तानी मशहूर मारूफ टिकटॉकर ज़रनाब फातिमा और लारेब खालिद के बेटे के बारे में बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करेंगे। पिछले एक हफ्ते से ज़रनाब फातिमा और लारेब खालिद का बेटा हॉस्पिटल में सीरियस हालत में दाखिल था। इनके बेटे के सीरियस हालत की वजह से इन्होंने सबसे दुआओं के लिए सेहतियाबी की दुआओं की अपील की। मुकम्मल वीडियो और तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल आगाही हासिल हो सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले रोक मिल सके। मौजाजीन, आपको बताते चले, आज इनके बेटे के बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है जो कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर की। इन्होंने बताया कि अब इनके बेटे की सेहत काफ़ी बेहतर है। ज़रनाब फातिमा और लारेब खालिद ने फिर भी अपने फैंस के साथ दुआओं की अपील की है। खवातीन हज़रात, आपको बताते चलें, इस वक्त हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनके बेटे के सेहत के बारे में खबरें काफ़ी गर्दिश में हैं। आपसे गुजारिश है कि आप भी इनके बेटे के लिए दुआ ज़रूर करें ताकि अल्लाह पाक इनके बेटे को जल्द से जल्द सेहत अता फरमाए। और मुझे दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक न्यू और अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड पिक्चर। दो याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने गिवान जब होगा मैं खुद आपको दिखाऊंगा, सेहतमंद होगा आप लोगों के सामने खुद खिलाता हुआ उसको लेकर आऊंगा कि देखो भाई ये है मेरा बेटा। तो बस आप लोग दुआएं करें और बस यही होप है। मैं होप बिल्कुल नहीं हारता हूँ, मैं कभी जिंदगी में अपनी होप नहीं हारा हूँ, कभी गिव अप नहीं करा है और अभी भी नहीं करूंगा। मैं हर चीज स्टेबल होके कर रहा हूँ, करता रहूंगा कि हमारे घर में सेहतमंद बेहतरीन हमारा छोटा बच्चा है और सबके